नमस्कार, समाचार क्यारी से प्रिया शर्मा सुबह की 10 बड़ी खबरों के साथ। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह की 3 जनसभाएं आज, संपत सिंह होंगे भाजपा में शामिल। हिसार में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री संपत सिंह आज थामेंगे भाजपा का दामन। दुष्यंत चौटाला का आरोप, खट्टर शासन में करोड़ रुपए में बिके न्यायिक सेवा के प्रश्न पत्र। कांग्रेस नेता सुखवीर कटारिया ने कहा, बीजेपी नेताओं से मुद्दे की बात करो, भाजपा के मंत्री मुद्दों से भटकाने के लिए हर बात पर भारत माता की जय लगाने लगते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके तहत नर्स, क्लर्क, फार्मासिस्ट, जूनियर सिस्टम इंजीनियर, डेंटल हाइजीनिस्ट, लैब टेक्नीशियन समेत कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख आज यानी कि 9 अक्टूबर है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा बोली, तंवर का चैप्टर क्लोज, कुछ और पूछो। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधियों के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। मतदान को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मतदान एवं मतगणना के दिन चुने हुए प्रतिनिधि पोलिंग, इलेक्शन एवं गणना एजेंट नहीं बन सकेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन विभाग ने जनप्रतिनिधियों के एजेंट बनने पर रोक लगा दी है। हरियाणा के चुनावी रैलियों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री हिस्सा नहीं लेंगे। इसकी पुष्टि पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने की। हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2019 में नेताओं का एक दूसरे पर वार और पलटवार जारी है। पीएम मनोहर लाल ने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस नहीं बेटे को बचाने में जुटी हुई है। पात्रता के फेर में फंसे देश के करीब 12 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक, बिहार से हुई विवाद की शुरुआत।